30 जनवरी 2022 को भाजपा के मसूरी प्रत्याशी के विरुद्ध मैंने एक कंप्लेंट दायर करी चुनाव आयोग के समक्ष, जिसमें उनको मैंने दो वीडियोस का हवाला दिया जिसमें सैनिकों का इस्तेमाल करके गणेश जोशी वोट मांग रहे हैं। इस वीडियो की क्लिप्स भी मैंने उन्हें भेजी, परंतु इसको अंडरप्ले करने की कोशिश बेहद निंदनीय है। और चुनाव आयोग से मेरी मांग है कि आप जब कहते हैं कि एक पार्टी के प्रतिनिधियों ने हमें एक कंप्लेंट दी है, तो बताएं कि वो कंप्लेंट किस पार्टी ने दी है, छुपाने की क्या ज़रूरत है। इसके अलावा उस कंप्लेंट के बाद इन्होंने एक शो कॉज नोटिस इशू किया गणेश जोशी को। जो शो कॉज नोटिस इन्होंने गणेश जोशी को दिया उसकी कॉपी मुझे यानी कि कंप्लेनेंट को नहीं दी गई, मगर मेरे मांगने पर सौजन्या जी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्होंने वो उपलब्ध करवा दी। अब मैं कह रही हूँ कि गणेश जोशी ने जो जवाब दिया है उसकी कॉपी मुझे दीजिए। इनका ऑफिस मुझे कहता है कि ये तो हम नहीं दे सकते। आखिर क्यों, ये तो मेरा अधिकार है। चुनाव क्या निष्पक्षता से ऐसे करवाए जाएंगे, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। जिस महोदय ने मुझे ये कहा था कि ये कॉपी नहीं दी जा सकती, मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सौजन्या जी से भी जानना चाहती हूँ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी जानना चाहती हूँ कि आखिर चुनाव आयोग क्या छुपाना चाहता है। अगर मैंने कंप्लेन करी है, आपने शो कॉज नोटिस दिया है, तो जो जवाब आया है गणेश जोशी की तरफ से 24 घंटे में उन्होंने देना था, वो आपने मुझे क्यों नहीं उपलब्ध कराया। आई नीड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, माय लॉयर्स विल बी प्रेजेंट देयर। मगर आप ये नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप गणेश जोशी को बचाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उस कंप्लेंट के बाद शो कॉज नोटिस हुआ और उसके बाद जो रिप्लाई आया है गणेश जोशी की तरफ से वो मुझे उपलब्ध कराई जाए और मुझे मौका दिया जाए हियरिंग का। ये मेरी मांग है चुनाव आयोग से और मेरा निवेदन भी है कि आप इसको जल्द से जल्द करवाएं।